सोलर पैनल के रेट तो आपको पता है कि अभी सबसे कम तरीन सतह पे हैं तारीख के, तो लॉन्ग जी हाइमो 6 भी जो है अभी बहुत अच्छे रेटों में है, जिनको एन टाइप भी जो है इसके काफ़ी नीचे आ गए हैं रेट, जिनको लॉन्ग जी जे तीनों मिल जाएंगे आपको, और जिनको में पी टाइप भी मिल जाएगा, एन टाइप भी मिल जाएगा जी। लॉन्ग जी में अभी हाइमो 6 ही आ रहा है तो वही चल रहा ज़्यादा, क्योंकि हाइमो 5 को लोग इतना अभी पसंद नहीं कर रहे थे, हाइमो 6 जब से आ गया तो यही चल रहा ज़्यादा। छोटा पैनल भी 16,000 का मिलेगा, 16,000 का वो जो है ना 555 वाट 570 वाट का पैनल 30,000 रुपये का मिल रहा है समझे, बिल्कुल। तो पब्लिक जो है ना अभी बड़ा पैनल ले आके एक MPPT कंट्रोलर के साथ एक पैनल लगा दीजिए तो वो ज़्यादा फायदे हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। 115 किलो वाट का इन्वर्टर है ये, हुआ भी का आपको दिखा देते हैं। अच्छा वाह यार, ये अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देंगे आपको, जबरदस्त तरफ से दिखाएंगे लिखा हुआ है। ये इसकी चीज़ है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, वाह भाई। ये देखें ना 125 किलो वाट हुआ भी, देखें ये अभी इतना हैवी है ये कि अभी इसको बाहर निकाल के तो नहीं दिखा सकते, तो ये नाज़रीन को आप ऐसे ही दिखा लेंगे, देखें हुआ भी का इन्वर्टर है जबरदस्त, और इसकी फ्रेमिंग वगैरह तो दिखा दिया आपको, ये जिस पे लगेगा। पैनल हम कितने लगा सकते हैं? पैनल तकरीबन 220 पैनल लगा सकते हैं, 220। इसके अलावा भी IP65 जो है 12 किलो वाट नाइट्रोल, जी नेट मीटरिंग भी हो सकती है इस पे, और बैटरीज भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है अगर किसी के पास AC भी है तो वो फिर ये 3 किलो वाट लगा के AC भी चल जाएगा, फ्रिज भी और फैंस वगैरह भी है, 3200 वाला भी इन्वर्टर। इसके अलावा ये इन्वर्टर में यूकॉन का भी 3.3 के नाम से आता है, ये भी जो है ना 8 पैनल सपोर्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। दानिश भाई आप कैसे हैं? यार आज क्या कोई अपडेट दे रहे हो, क्या सूरत हाल है मार्केट में सोलर पैनल की, ये बताओ हमारे नाज़रीन को। सोलर पैनल के रेट तो आपको पता है कि अभी सबसे कम तरीन सतह पे हैं तारीख के, तो लॉन्ग जी हाइमो 6 भी जो है अभी बहुत अच्छे रेटों में है, जिनको एन टाइप भी जो है इसके काफ़ी नीचे आ गए रेट, ज़बरदस्त। यानी मुसलसल रेट नीचे ही आ रहे हैं, मुसलसल रेट नीचे ही आ रहे हैं अभी, और अभी जो है ना जिनको एन टाइप नीचे आते आते तकरीबन जो है ना 54.5 रुपीज़ पर वाट पे आज हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, तो और हाइमो 6 जो है वो 53 रुपीज़ पर वाट में सेल कर रहे हैं। हाइमो 6 कितने पे? हाइमो 6 53 रुपीज़ पर वाट में सेल कर रहे हैं जी, 570 वाट का पैनल है। अच्छा, तो इस वक्त आपके पास आर्टिकल कौन कौन से हैं, किस किस कंपनीज के अंदर आपके पास सोलर पैनल पड़े हुए हैं? आर्टिकल जिनको लॉन्ग जी जे तीनों मिल जाएंगे आपको, और जिनको में पी टाइप भी मिल जाएगा, एन टाइप भी मिल जाएगा जी। लॉन्ग जी में अभी हाइमो 6 ही आ रहा है तो वही चल रहा है ज़्यादा, क्योंकि हाइमो 5 को लोग इतना अभी पसंद नहीं कर रहे थे, हाइमो 6 जब से आ गया तो यही चल रहा है ज़्यादा, इसी को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं जी। जी दिखा भी देते हैं, ये एन टाइप के पैनल रखे हुए हैं जी। इसके क्या पर वाट आप बता रहे हैं? इसके 54.5 रुपीज़ पर, 54.5 जी, यानी 50, ठीक। अच्छा ये कितने वाट पर है? ये 580 वाट पर, 580 वाट पर। दूसरा जो ये सामने, ये तो जे बायोफेशियल है, बायोफेशियल पी टाइप, जी जी ये पी टाइप में ही है, बायोफेशियल है, डबल गिलास इसको कहते हैं। अच्छा, तो ये क्या प्राइस है? ये 54 रुपीज़ पर वाट मिलेगा, 54 रुपीज़ पर वाट, जी जी बायोफेशियल की वजह से इसके रेट ज़्यादा। अच्छा, नॉर्मल जे के कम रेट, ठीक। मोहसिन ये बताएं कि ये हाइमो 6 के क्या रेट आप दे रहे हैं? हाइमो 6 के जो है ना 53 रुपये पर वाट में दे रहे हैं हम लोग, 53 रुपये पर वाट, जी जी। जो कितने वाट पर है ये? 570 वाट पे, 570 वाट में 53 रुपये पर वाट। ये एक पैनल के मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ, 30,210 रुपये का पैनल पड़ेगा आपको, 30,210। वाह यार जबरदस्त फिगर आया, जी जी जी। अच्छा इसके अलावा आपके बैक साइड ये जिनको पी टाइप है, अच्छा ये 51 रुपीज पर वाट में दे देंगे। मोहसिन ये बताएं आप हमारे नाज़रीन को कि कुछ लोग जो है इस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, मतलब 180-200 वाट, जी 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 जी। तो इस वक्त आइडियल टाइमिंग ये नहीं है कि बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बजाय एक प्लेट ही ले ले, जी जी अभी 580 या 570। जब कस्टमर आते हैं ना यहाँ पे तो छोटे पैनल के लिए आते हैं, लेकिन उनको जब समझाते हैं और वो खुद देखते हैं कि रेट में इतना डिफरेंस है, क्योंकि ये छोटा पैनल भी 16,000 का मिलेगा, 16,000 का वो जो है ना 555 वाट 570 वाट का पैनल 30,000 रुपये का मिल रहा है समझे, बिल्कुल। तो पब्लिक जो है ना अभी बड़ा पैनल ले आके एक MPPT कंट्रोलर के साथ एक पैनल लगा दीजिए तो वो ज़्यादा फायदे वो ज़्यादा फायदेमंद है, यानी उसमें ज़्यादा बेनिफिट है, ज़्यादा बेनिफिट है, एम्पेयर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये आप अभी कितने का दे रहे हैं भाई? ये मैक्स पावर का 10 साल की वारंटी के साथ है, ये मिल जाएगा 16,000 का, 16,000 जी जी जी। और वो बराबर ये इसका ऐसा 220 वाट है, ये मिल जाएगा 15,500। तो दानिश भाई आज आपको बुलाने का मकसद ये था, आज तो हमने आपको खुद बुलाया कि आप आए हमारी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके हवाले से भी आप दिखाएं कि आज जो है ना एक इंडस्ट्री में हमारा 115 किलो वाट का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये इन्वर्टर हमने मंगाया 115 किलो
वाट का 125 किलो वाट इसकी टोटल पैनल कैपेसिटी है। जी जी किलो वाट, और 115 किलो वाट का इन्वर्टर है। ये हुआ भी का आपको दिखा देते हैं। अच्छा वाह यार, ये अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देंगे आपको। जबरदस्त, तरफ से दिखाएंगे। लिखा हुआ 115 किलो वाट, ये इसकी शील्ड है, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। जी जी, इसको अनबॉक्सिंग भी करके दिखा देंगे। कितना बड़े हेवी साइज में यार, जी जी, इस पे 200 पैनल लग रहे हैं। वाह यार, 580 वाट के एन टाइप। ये देखें नाजरीन, 125 किलो वाट के जो सोलर इन्वर्टर है उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हमारे नाजिम भाई। और ये देखें माशाल्लाह से, इसके साइज को देखें आप, मोहल्ले के मोहल्ले को रोशन कर रहे हैं। ये वो आइटम है हर घर में रोशनी बुझा दे। वाह भाई, ये देखें नाजरीन, 125 किलो वाट हुआ भी, क्या बात है। ये एक्सेसरीज के बारे में भी थोड़ा सा आप हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए ये इसका फ्रेम है जिसपे ये एंगल लगते हैं, मतलब फिट होगा, जिसपे रोका जाएगा ये। अच्छा, ये रोकने के लिए। इसके साथ ही इसके MC4 कनेक्टर और ये जितनी स्ट्रिंग इसमें है, ये सारे इसके जो है ना, सब पूरा कंप्लीट सामान आता है। इसमें कोई वाईफाई डिवाइस वगैरह है? जी जी, इसमें डोंगल भी साथ आती है और इसके साथ एक स्मार्ट मीटर भी आता है। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस जो कहलाती है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है। अच्छा, ये लगती है इसके साथ। इसका काम क्या है बेसिकली? इसका काम वैसे बेसिकली ये है कि जब तक नेट मीटरिंग नहीं होती ना, जब तक ये लगाई जाती है। अच्छा, ताकि ये रिवर्स ना दे मीटर को, रिवर्स ना दे। जी जी, और इसमें इसकी दिखाता रहता है पावर कितने वाट आ रहे हैं, कितने चल रहे हैं, पैनल से कितना आ रहे हैं और आउटपुट कितना चल रहा है, यानी जनरेशन रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। ठीक है ना, इसलिए ये डिवाइस को इस्तेमाल करना है। जी जी, कितने कंज्यूम कर रहा है, कितने कंज्यूम कर रहा है, कितने यूनिट बन रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें ये डिवाइस दिखाएगा। ठीक है, दूसरा मीटर लग जाने के बाद, मीटर लग जाने के बाद भी चाहे तो ये लगी रहने दें, चाहे तो हटा लें, दोनों चीजें हो सकती है, कोई इशू नहीं, क्योंकि वो फिर मीटर में भी दिख जाता है। तो ये इसी के साथ है, हुआवी के साथ? जी जी, इसके साथ ही। अलग से लेने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा ये दिखाएं आप थोड़ा। देखें ये अभी इतना हेवी है ये कि अभी इसको बाहर निकाल के तो नहीं दिखा सकते, तो ये नाजरीन को आप ऐसे ही दिखा लें कि देखें हुआवी का इन्वर्टर है। जबरदस्त, और इसकी फ्रेमिंग वगैरह तो दिखा दिया आपको, ये जिस पे लगेगा। अच्छा, वैसे ये किस साइड पे लगा रहे हैं आप? ये हम एक कोरंगी, जी जी, ये एक इंडस्ट्री है कोरंगी में, वहाँ लगा रहे हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल है? जी जी, इंडस्ट्रियल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके प्राइस वगैरह के हवाले से कुछ पता लग जाएगा हमारे नाज़िम? इसके प्राइस जो है ना, इस डिवाइस के साथ जो है ना, 17,50,000 रुपए। 17,50,000? जी जी, 50,000। जी जी, जबरदस्त यार। इसके साथ हम क्या क्या सपोर्ट कर सकते हैं, कितने पीवी सपोर्टिंग है इसकी? इसकी पीवी तो 125 किलोवाट तक सपोर्ट है। 125 किलो वाट तक ना, मतलब पैनल हम कितने लगा सकते हैं? पैनल तकरीबन 220 पैनल लगा सकते हैं। 220 मिनिमम है या ज्यादा से ज्यादा? मैक्सिमम 220 पैनल लगा सकते हैं, मैक्सिमम 80 वाट के एंड टाइप। जी जी, अच्छा, तो यार ये तो मोहल्ले वगैरह में भी यूज हम कर सकते हैं, जैसे आपस में इجتماई तौर पर, जैसे इस सिस्टम को अपार्टमेंट्स वगैरह वाले भी मिल जुल के लगा सकते हैं, कि जैसे छत एक ही है तो लगा लिया, बड़ा इन्वर्टर लगा के जो है ना यूज कर लिया, तो अच्छी चीज है। ज़्यादातर तो इंडस्ट्रीज में यही लग रहा है, क्योंकि नेट मीटरिंग होती है, इस हवाले से जो है ना, एक ही मीटर पर नेट मीटरिंग हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक की तरफ से ये भी है। अच्छा मोहसिन, IP65 के बारे में भी बताओ। जी जी, उसके अलावा भी IP65 जो है 12 किलो वाट नाइट्रोल्स। अच्छा, ये 12 किलो वाट। जी जी, नेट मीटरिंग भी हो सकती है इस पे और बैटरीज भी सपोर्ट करता है। अच्छा, ये भी अभी दोनों ऑप्शन है। जी जी जी, ये अभी न्यू स्टॉक ही आया हमारे पास। इसके क्या प्राइस चल रहे हैं? ये 8,85,000 रुपये। 8,85,000? जी जी, ये मतलब मसाजिद वगैरह के लिए बेहतरीन है, स्कूल्स वगैरह के लिए। हाँ, और भी बहुत से एरियाज जहाँ पे जो है ना बिजली होती नहीं है और थ्री फेज इन्वर्टर लगाना हो, तो ये बैटरीज के साथ सपोर्ट करके जो है ना सोलर पैनल की कैपेसिटी देता है। जी जी जी, क्योंकि बाकी जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, जैसे ये है, इसको थ्री फेज की लाइन चाहिए होती है, जो हमने बड़ा वाला इन्वर्टर दिखाया आपको, ये भी थ्री फेज की लाइन मिलेगी तो ऑन होगा। बात ही अलग है यार, 125 किलो वाट यार, ये तो सिस्टम ही बड़ा है। अब ये जितना जो लगा रहे हैं तो है इंडस्ट्री, बताया ना। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें इसकी 125 किलो वाट की, तो आप ये बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कि कितने कॉस्ट आ सकते हैं, यानी कि क्या कितने पैसे होंगे तो ये इंस्टॉलेशन जो है ना कामयाब हो जाए? 125 किलो वाट की तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक के बजट में जो है ना, 1 करोड़? जी जी जी, में हो जाएगा काम। जबरदस्त। अच्छा मोहसिन, छोटे इन्वर्टर्स के हवाले से भी आप हमारे नाजरीन को आगाह करें। छोटे इन्वर्टर में भी हाइब्रिड में जो है ना, हमारे पास इन्वर्टर सारे अवेलेबल हैं। सबसे छोटा ये इन्वर्टर है जो 1400 वाट का है, 4 पैनल सपोर्ट करता है। अच्छा, ये आपको 57,000 का मिल जाएगा। इसमें हम क्या चीजें चला सकते हैं? ये एक फ्रिज, 4-5 पंखे और लाइट है नॉर्मली, मतलब एक घर का जो लोड है वो चल जाएगा इसका। चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये ऊपर जो है, अगर किसी के पास एसी भी है तो वो फिर ये 3 किलो वाट लगा के एसी भी चल जाएगा, फ्रिज भी और फैंस वगैरह भी। ये 3200 वाला जो इन्वर्टर ये मिल जाएगा आपको 82,000 रुपये का। और इसमें पैनल कितने हम लगा सकते हैं? इसमें 8 पैनल लगा सकते हैं। 8 पैनल? जी जी, जबरदस्त।
अच्छा, इसके बाद एरोक्स के बारे में बताओ। एरोक्स 3.2 है, ये पैनल्स की कैपेसिटी इसमें कम है, 3 पैनल्स लगा सकते हैं बड़े, लेकिन ये कि आउटपुट 3000 वाट है, ये भी एसी फ्रिज ये सब चीज़ें चला सकते हैं, सलाहियत है इसमें। अच्छा ये बताइएगा वेरॉन की, ये वेरॉन जो है ना इन्वेरक्स का 1200 वाट है आउटपुट, और 4 पैनल सपोर्ट करता है ये भी। ठीक, ये मिल जाएगा आपको 75,000 का। 75,000 जी जी, और वर्स विदाउट बैटरी का भी ऑप्शन है इसमें। इसके अलावा ये इन्वेरक्स में यूकॉन का भी 3.2 के नाम से आता है, ये भी जो है ना 8 पैनल सपोर्ट करता है। 8 पैनल जी जी, 1,65,000 का मिल जाएगा आपको। ठीक, अच्छा ये लिथियम के बारे में भी बताएं जी। ये लिथियम बैटरी 48 वोल्ट 100 एम्पेयर में, जैसे इसके 51.2 वोल्ट है मैक्सिमम। लेकिन अच्छा, इसके गारंटी वगैरह के बारे में, ये 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 3 साल उसके बाद सर्विस वारंटी है, टोटल 5 साल वारंटी है। अच्छा, लिथियम बैटरी की तरफ लोग इस वक्त माइल हो रहे हैं, आ रहे हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है, हम तो बहुत बेचते रहते हैं। आप देखें अभी हमारे ये न्यू स्टॉक आया है, वहाँ भी रखा हुआ है, और ये हम यहाँ डिस्प्ले में रखते हैं इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल ट्यूबलर बैटरी से जो है ना बहुत अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है, लाइफ भी अच्छी है और मेंटेनेंस का कोई चक्कर नहीं है, ड्राई बैटरी है बिल्कुल। 5 किलोवाट का आप लोड डालेंगे तो ये आपको जो है ना तकरीबन 1.25 घंटे का लोड देगी, वरना कोई भी ट्यूबलर बैटरी आप 4 भी एक साथ लगाएंगे तो 5 किलोवाट के लोड पे वो 15 से 20 मिनट चलेगी। जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ये इन्वेरक्स का ये वाला मॉडल देखा, हाँ, ये 5.6 के नाम से ये नया मॉडल आया है, ये अच्छा है। इसके रेट जो है ना दूसरे जैसे 6 किलोवाट के इन्वर्टर इनका वेरॉन है वो 2.55 का, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 1,75,000 रुपये का 5 किलोवाट। जी जी, जबरदस्त। अच्छा, इसके अलावा ये तो यूकॉन अभी जो दिखाया था वही वाला है। इसके बाद ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर देख लें 15 किलोवाट में। ठीक, और इसके प्राइस है 15 किलोवाट के 3,10,000 रुपये इससे। अच्छा, किलोवाट के अंदर तो आपके पास तमाम अवेलेबिलिटी है, तमाम अवेलेबिलिटी है, जितना भी चाहिए आपको, 15 किलोवाट, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट, 20 किलोवाट, इससे ऊपर की रेंज भी 100 किलोवाट तक भी। 100 किलोवाट तक के तो आपने दिखा दिया यार, किलोवाट में भी है, किलोवाट में भी है, जबरदस्त। अच्छा ठीक है, इसके बारे में बताइए। इसके बाद ये फ्रोनस में IP65 आता है, जैसे ये नाइट्रोक्स है ना इन्वर्टर जी, जैसे ये फ्रोनस का मैट्रिक्स के नाम से आता है IP65, 6 किलोवाट है ये, कि 2,95,000 का मिल जाएगा आपको। ठीक, अच्छा ये किलो वाट के भी बता दिए जी। जी, ये किलो वाट 20 किलोवाट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास सारी सीरीज अवेलेबल है। ये 20 किलोवाट का 4,25,000 रुपये का मिल जाएगा। 4,25,000 जी जी जी। अच्छा यार ये बताएं कि जो अभी आपने हुआवे के जो आपने 125 किलोवाट जो हमारे नाज़रीन को आपने दिखाया, उसके बारे में ये बताएं कि उसकी गारंटी क्या है यार। उसकी 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है, वो भी IP65 जी, IP65 ही होता है वो तो, बल्कि इससे भी अच्छा होता है, उस पर IP66 लिखा हुआ होता, मतलब अच्छा IP66 जी जी, जबरदस्त यार। जब भी तो यार कीमत भी देखो ना, कीमत भी है, लोड भी तो आप देख रहे हैं, इंडस्ट्री का लोड जो जनरेटर वगैरह जहाँ लोग लगाते हैं वहाँ उनको बड़े बड़े जनरेटर नहीं लगाने पड़ेंगे, तो जनरेटर में तो फ्यूल चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप बिल्कुल पैसे भी, ग्रीन एनर्जी है जी जी जी, ग्रीन क्लीन एनर्जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जी जी। अच्छा मोहसिन, अगर कोई आपसे ऑनलाइन बाय करना चाहता है या फिजिकली आपकी शॉप पर आना चाहता है तो लोकेशन, एड्रेस और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दें जी। जी, मैं आपको अपना पहले कॉन्टेक्ट नंबर देता हूँ, नोट कर लें, 0313-2571-869। अच्छा, अलावा शॉप का एड्रेस जो है रीगल सदर कराची में है, शॉप नंबर 9 और 10 है, अलमावा होटल सदर कराची, तो आसान एड्रेस है, शफीक टिक्के वाली गली में। आप आएँ और कॉन्टेक्ट कर लिएगा, अगर किसी को कोटेशन वगैरह चाहिए रेट के हवाले से व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है, वो रिप्लाई उनको मिल जाएगा। अगर थोड़ा लेट हो जाता है, कभी कॉल नहीं उठा सकते बिजी होने की वजह से, तो ये है कि फिर कॉल रिटर्न भी कर लेते हैं हम लोग और मैसेज भी कर देते हैं बाद में, मतलब वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दे जी। ठीक, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उन्हें रहनुमाई करेंगे, रहनुमाई देंगे, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।